मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीज इन सनलाइन में। इस चैनल के माध्यम से हमने एयरफोर्स क्रैश कोर्स चालू किया है। पूरे कोर्स को हमने 3 से 4 महीने चलाने का प्लान किया था। आज हम आपको इम्प्रूव कैसे करें इंग्लिश को वो हम दिखाएंगे। पूरे इंग्लिश की बात करें ना तो पूरे इंग्लिश में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ग्रामर क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं। 10 या 12 13 मान लीजिए, 2 एरर आपको मिलेगा, 1 इम्प्रूवमेंट मिलेगा, 1 वॉइस, 1 नरेशन, 1 पिग्यूआरस, फिल इन द ब्लैंक्स 2-3 मिलेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म 1-2 मिलेंगे। यानी कुल मिला जुला कर अगर आप एयरफोर्स में अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ग्रामर सेक्शन कैसे इम्प्रूव होगा ये हम देखेंगे। इस YouTube चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आपको दी जाएगी, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश चलेगी, मैथ चलेगा, रीजनिंग चलेगा, GS चलेगा, करंट अफेयर चलेगा, और भी जैसे रिक्वायरमेंट कुछ लड़के कह रहे थे फिजिक्स नहीं चल रही, फिजिक्स की क्लासेज भी चलेगी आपकी। लास्ट में आपको फिजिक्स भी चलाया जाएगा कुछ दिन बाद से, तब तक के लिए इसमें। और कल वीडियो थोड़ा क्वालिटी थोड़ा डिम था, लेकिन कल से जो क्लास चलेंगी वो पूरे स्टूडियो में चलेंगी और अच्छे से आपको वीडियो मिला करेंगे। आज आप यहाँ से समझ लीजिए और आइए देखते हैं ग्रामर में क्या है। एरर, इम्प्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, पीक्यूआरएस, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे इम्प्रूव करना है। ग्रामर सेक्शन के हर एक सेशन को मैं कंप्लीट कराऊंगा। हमने डेमो क्लास के वीडियो में आपको बता दिया है कि किस किस चैप्टर को कैसे कंप्लीट कराएंगे हम। हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ठीक है। जब लास्ट में जब पूरे कोर्स को 2 से 2.5 महीने में पूरे रनअप कर लिया जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस बैच भी चलाएंगे। हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा, कम से कम 30-40 प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगे। ऊपर से उसके बाद आपको क्या होगा, 30-40 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको 20 से 25 फ्री में दिया जाएगा, विदाउट एनी कॉस्ट, 1 भी रुपये आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम ग्रामर के सेक्शन देखेंगे, फिर आपको मैथ के सेक्शन में बता दें। मैथ की पूरी मैथ आपको पढ़ाई जाएगी विदाउट एनी फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के पूरे मैथ पढ़ाई जाएगी, ट्रिक बेसिंग ओनली 10 सेकंड में। रीजनिंग भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी पूरे 50 नंबर अगर आप वाई ग्रुप की बात करें तो 50 में आप आसानी से 45 या 43+ आप आसान से ला सकते हैं, बस आपको मेहनत करना है। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप वो क्या आपकी क्लास 1 और सफिशियंट क्लास कब से लगाएंगे, उसी भी क्लास लगेगी, वीक में 1 या 2 दिन हम खुद आपको पढ़ाएंगे। वो तरीका रहेगा, एटाइमोलॉजिकल मेथड रहेगा, यानी रूट बेस मेथड से हम आपको पूरी तरह से आपको डिस्कस करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का तरीका आपको अंदर होना चाहिए। अगर आप जिज्ञासी नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, अपने आप पर मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कहा जाता है जैसे जो प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना हो। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, O2 आपको निकल जाती है, O2 का उत्सर्जन करता है, यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये सूर्य की लाइट से अपना भोजन स्वयं बनाती है, ठीक है, और O2 का ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। इसमें देखिए क्या हम समझाना चाहते हैं आपको, आप लर्निंग कर रहे हैं कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान देना होगा, स्टूडेंट गलती कहां करते हैं। स्टूडेंट देखिए प्रकाश भोजन तो वो बना रहा है, O2 का वृद्धि कर रहा है, यानी O2 को हटा रहा है, O2 हटाने से उसको O2 का उत्सर्जन हो जा रहा है, यानी ये O2 पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, इससे O2 का कोई लेना नहीं है, वो अपने फूड पे ध्यान दे रहा है और O2 अपने आप निकल जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग हम लोगों को फायदा हो रहा है। लर्निंग जो इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने की बात होती है तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मार्क्स पे चले जाएंगे और मार्क्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनमें होता क्या है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है, ना अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना मार्क्स मिलते हैं, और वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। आप क्या करिए, जैसे पौधे करते हैं, प्रकृति जैसे करती है, भोजन पे ध्यान देती है, ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं देती है, जैसे ही आप लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, मार्क्स अपने आप एग्जाम में आएगा और आप एग्जाम क्रैश कोर्स कर जाएंगे, पूरे क्रैक कर जाएंगे कोई भी एग्जाम में। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको टेंस पढ़ाया शुरू किया था, लेकिन कुछ वीडियो सर ने कमेंट किया कि थोड़ा एक बार रिवाइज करा दीजिए, तो कल से क्लासेस अच्छे से लगेंगी। आज हमने सोचा आपको कुछ रिवाइज करा दें, ठीक है। रिवाइज टेंस हमने शुरू कर दिया है, टेंस में आपको बता दें, आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, रिकॉल करा दे रहे हैं, आप अच्छे समझ लिया। टेंस टेंस में हमने बताया था कि व्हाट इट डज, सबसे पहले तो व्हाट इट डज, टेंस होता क्या है, टेंस होता क्या,
ये देखिए टेंस होता है, इट टेल्स अबाउट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो टेंस होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। इसकी हमने नोट्स बनवा दिया है, आप पहले वीडियो देख के आप बना सकते हैं, हम आई रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, संडे है। अब दूसरा क्वेश्चन हमने बताया था कि टेंस करते के हाउ इट डज, ये कैसे मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, इसको आप देख लीजिए कैसे बताता है। देखिए ये बताता है बाय चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इट टेल्स अबाउट टाइम। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के चेंजिंग के आधार पर ये टाइम को बताता है कि कैसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्क्राइब किया गया है। हमने ये भी बताया था कि अगर एक सेंटेंस आपके साथ स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, अगर एक सिंगुलर वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, और तब ऑब्जेक्ट रहेगा। ये चीज हमने बता दिया था, ये आप चीज को आपको बता दिया है, फिर से आपको बता दें, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जैसे सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से क्लॉज बनता है। इस बात को आप पॉइंट करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलने से क्लॉज बनता है। सब्जेक्ट यानी जो मैं हूं, मेरे द्वारा जो काम किया गया है उस सेंटेंस में, जो डिस्क्राइब किया गया, मेरे द्वारा जो भी डिस्क्राइब किया गया है, मैं और मेरा प्रेडिकेट मिलकर क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। और दो क्लॉजों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, यानी हर एक चीज को आप कोरिलेट करते चलिए। आई रिविजन कर लीजिए, कल से फिर से क्लासेज आती रहेंगी। आगे देखते हैं, इसके बेसिस हमने चार सेंटेंस दिए थे। सेंटेंस हमने पहले वीडियो में आपको बताए थे कि माय फ्रेंड एंड एडवाइजर डज नॉट एवर टेल अ लाई। दूसरा सेंटेंस हमने बताया था कि माय फ्रेंड एंड एडवाइजर डिड नॉट टेल अ लाई। और दो सेंटेंस पहले देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने बताया था माय फ्रेंड एंड एडवाइजर डिड नॉट डज नॉट टेल अ लाई। हमने पहले सेंटेंस में डज नॉट लगाया था और दूसरे सेंटेंस में डिड नॉट लगाया था। ये एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था कि कैसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, तो बाय चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब, पूरे स्ट्रक्चर सेम थे, बस हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज हुआ, यही जो चेंजिंग है वही स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा था दे स्पीक द ट्रूथ, और अगला लिखा था दे स्पोक द ट्रूथ। इन दो सेंटेंस में हमने बताया था स्पीक और स्पोक के कॉन्सेप्ट पे। स्पीक में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था मेन वर्ब का, और ये वर्ब का मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म था। इसी के आधार पर हमने बताया था कि कैसे ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बताया था कि इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि जो टेंस के स्टेजेस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और एक दोनों को मिलने से परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने बताया था कंटिन्यूअस होता क्या, कंटिन्यूअस के बारे में बताया था कि एक्शन एज आर कंटिन्यू बट टेम्पोरली, जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी काम होता है वो चल तो रहा है लेकिन कुछ समय के लिए चलता है, ना कि हमेशा के लिए, तो वहां पे कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है कुछ समय, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज तो जा रहा हूँ, ये चीज तो कंटिन्यू है, बराबर रन कर रही है कॉलेज जाने का, लेकिन 20 मिनट बाद जब हम कॉलेज पहुंच जाएंगे, 25 मिनट बाद वो काम स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यू तो रहता है, टेम्पोरेरी रहता है। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट में होता है कोई भी काम पूर्ण हो, परफेक्ट हो, पूरी तरह से पूर्ण हो, ये अंदर आता है। पूरे वीडियो में पिछले में पूरे एग्जांपल के साथ हमने समझा दिया है। उसके बाद आता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस के मिलने से बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इम्पार्शियल परफेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस में होता है कंटिन्यू टेम्पोररी है और परफेक्ट में पूर्ण है, इन दोनों के जो मिलने से बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें होता है कि कुछ काम इम्पार्शियल रहता है, इम्परफेक्शन विथ पार्शियल परफेक्शन, ये चीजें होती है, इन पार्शियल विथ पार्शियल परफेक्शन। होता क्या है, मान लीजिए कि हम 2015 से पढ़ा रहे हैं, अभी 2018 है, इन समय यानी 2017 तक ये काम तो परफेक्ट हो चुका है, ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2018 में ये काम कंप्लीट है, अब कंटिन्यू है, तो इसीलिए इम्पार्शियल विद पार्शियल परफेक्शन, परफेक्ट और कंटिन्यूअस के मिलने से बनता है, इसीलिए दोनों गुण मिलता है। उसके बाद हमने यूनिवर्सल फैक्ट का और प्रोवर्स का केस बताया था, जिसमें एग्जांपल हमने बताया था ए रोलिंग स्टोन गैदर्ड नो मॉस, फिर है एन एम्प्टी वेसल साउंडेड मच, और प्लांट्स प्रिपेयर्ड एयर ऑन फूड। इसको समझ लिया होंगे, रिवीजन अच्छे से कीजिए, आपकी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी चीज को हम प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे एक भी सेक्शन हो, PQRS हो, अनसीन पैसेज हो, मैथ की पूरी क्लासेस लीजिएगा, मैथ की क्लासेस भी पढ़ने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे,
जो रेड में लिखा हुआ कोने में सब्सक्राइब, उसको दबा दें और जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, अगला सेंटेंस हमने बताया था कि ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, हमने बताया था जो प्रोवर्ब्स होते हैं एंड यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, ये भी जितने होते हैं प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल फैक्ट, ये डिमांड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हमने बताया था प्लांट प्रिपेयर द राउंड फूड, इसमें प्रिपेयर्ड जो था मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट था, तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस वाटर बॉइल्स, वाटर विल बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमने बताया था तो विल बॉइल था लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसको विल बॉइल को हटा के वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो मान लीजिए वाटर बॉइल्स क्यों लगा, बॉइल क्यों नहीं लगा, वाटर को हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं इसीलिए हम ऐसे करते हैं। और मान लीजिए कि इंग्लिश की क्लास आप प्रॉपर ले रहे हैं, मैथ आज थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं टाइम एंड वर्क की, कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे रेशियो प्रोपोर्शन, जो डेमो क्लास में हमने बताया था मैथ की क्लास से हम रेशियो प्रोपोर्शन ही शुरू करेंगे जब वीडियो आप डालेंगे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया जाए कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, आपके सामने दे दिया जाए ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी अगर दोनों मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आप इसको फॉर्मूला बेस करेंगे एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई ऐसे करते हैं, वैसे फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना है, यहाँ विदाउट फॉर्मूले क्लास चलती है। देखिए आपको करना क्या है, करना क्या है, बस इसका एलसीएम लेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, जब इसका एलसीएम 30 हो जाएगा तो 15 से जब 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से दो बार में जाएगा और 30 में जब 10 से भाग देंगे तो तीन बार में जाएगा, बस जो एलसीएम लिए होते हैं उसके अपॉन में ये दोनों लिख देते हैं 30/5 यानी ए प्लस बी 6 दिन में उस काम को करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।